हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी ऑफ वर्ल्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को सॉरी बिकॉज मैं लाइव नहीं आ पाया। ओके और मैं अब लाइव बीच में ट्राई करूँगा होपफुली कि मैं लाइव आऊँ, बट 26 सितंबर से मैं लाइव आऊँगा सेम टाइम 8 से 10। अभी मैं रिकॉर्ड वीडियो कर रहा हूँ। आज आपको लाइक यू नो 20th, आज क्या है राइट 19 सितंबर को आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिल रहा है। मैं ट्राई करूंगा 20 सितंबर को भी आपको वीडियो रिकॉर्डेड मिल जाए या फिर लाइव वाला सेशन मिल जाए। आई विल ट्राई टू डू एज यू नो कि मैं अभी आउट ऑफ स्टेशन हूँ। ओके सम ऑफिशियल वर्क के लिए मुझे बैंगलोर आना पड़ा, सो दैट्स वाई मैं लाइव नहीं आ पाया। एंड 26 सितंबर से मैं लाइव आऊंगा और सेम रेगुलर क्लासेस चलेंगे। आज का मैं रिकॉर्डेड वीडियो डाल रहा हूँ, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और नए सेशंस भी है, नए टॉपिक्स भी हैं। तो जो क्वेश्चंस हैं और जो भी आपको डाउट आएगा तो आप कमेंट में जरूर लिखें, एंड डेफिनेटली मैं रिस्पॉन्स करूंगा जब भी फ्री होगा। ईच एंड एवरी क्वेश्चन का आंसर दूंगा। एंड सेकेंडरी थिंग, आप मुझे लाइक टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, फेसबुक पे ज्वाइन कर सकते हैं। सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप जब डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करेंगे तो वहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। आप मुझे पर्सनली भी इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, सो मैं वहाँ पे अपडेटेड रहूंगा। और जो भी अपडेट आएगा वो कम्युनिटी जो है उसमें मैं लगाता रहूंगा। एक जो सर्वे होता है उसमें मैं ऐड करता रहूंगा। सो आई अगेन सॉरी फॉर दैट। नाउ स्टार्ट करते हैं हम। एज यूजुअल हम चार जो है पार्ट में जो क्लास को हम वर्क लाइक कंप्लीट करते हैं, जैसे कि डेली यूजेज इंग्लिश के सेंटेंसेस हम देखते हैं, ताकि आप पहले दिन से अगर नहीं भी जानते हो इंग्लिश तो फर्स्ट डे से आप इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर दोगे। सेकेंडरी प्राइमरी लेवल का ग्रामर हम कर रहे हैं, जिसमें कभी हम टेंस पढ़ रहे हैं, ट्रांसलेशन जो है हम अभी कर रहे हैं, एंड वोकेबलरी, वोकेबलरी में डेली यूज जो होने वाले वर्ड मीनिंग है वो करवाते हैं। फ्रूट्स, वेजिटेबल, कलर्स, फ्लावर, इन सब के नाम भी हम आपको याद करवाते हैं। एंड वर्ब के फॉर्म, जैसे खाना, पीना, उठना, इसके जो वर्ब के फॉर्म है ये भी हम आपको याद कराते हैं। तो इन तरह जो है, इस तरह से हमारा रेगुलर क्लास होता है 8 से 10। राइट, लाइव क्लास हम लेते हैं, बट आज अनफॉर्चुनेटली जो है इस वीक में लाइव नहीं हो पाया और रिकॉर्डेड थोड़ा सा इंटरप्शन हो रहा है, बट 26 से कंटिन्यू लाइव क्लास होगा। सो होपफुली कल मैं अगर अपलोड नहीं कर पाया तो आप लोग प्लीज़ वेट कीजिएगा, मैं डेफिनेटली आप लोगों के टच में रहूँगा। सो स्टार्ट करते हैं अगेन। सभी को वेलकम टू स्टडी ऑफ वर्ल्ड चैनल फॉर लर्निंग इंग्लिश, फॉर स्पीकिंग इंग्लिश, फॉर यू नो इम्प्रूविंग इंग्लिश। सो लेट्स स्टार्ट इट। तो आपके प्रॉब्लम्स क्या है? आपके प्रॉब्लम्स हैं हेजिटेशन। हेजिटेशन क्या होता है? क्यों आप इंग्लिश नहीं बोल पाते हो? इसका मेन रीजन है आपका, आप डरते हो कोई भी चीज़ जब आप इंग्लिश में बोलने के लिए सोचते हो, तो आप ऐसा आपका माइंड जो है रिएक्ट करता है कहीं आप गलत ना हो जाओ। अगर आप गलत हो गए तो फिर सामने वाला आप पे हंसेगा। तो ये जो थॉट है इसको ख़त्म करना है। राइट, यही हेजिटेशन है। और इट्स नॉट अबाउट ओनली लर्निंग इंग्लिश और स्पीकिंग इंग्लिश, सभी एक्सपेक्ट में लाइफ का जिस पड़ाव में आप आगे कुछ करना चाहते हो उसमें आप हमेशा ये सोचते हो जो भी मैं करूँगा उसका रिजल्ट क्या होगा। अगर जो रिजल्ट होगा उस पर सामने वाला हंसेगा तो नहीं, आप प्रोसेस पे नहीं जाते हो। हर एक इंसान को प्रोसेस पे ध्यान देना चाहिए, रिजल्ट क्या होगा उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। पहले आप प्रोसेस अगर अच्छा होगा तो डेफिनेटली आपका रिजल्ट भी अच्छा होगा। सो ऑलवेज अगर आप मेरा लाइक यू नो स्टेटस देखोगे दे आर इन व्हाट्सएप, सो यू विल सी द नेवर बिलीव ऑन लाइक रिजल्ट, ओनली फोकस्ड ऑन प्रोसेस। सो दिस इज द थिंग। एंड नेक्स्ट जो है कन्वर्टर, जब आप इंग्लिश में बोलना चाहते हो जो आपके मन में हिंदी में है, पहले आप उसको मन में इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हो, देन फिर जाके आप इंग्लिश बोलते हो। जिस दिन ये कन्वर्टर और ट्रांसलेशन जो आपके मन में होता है ये खत्म हो जाएगा, देन उस दिन आप क्या करोगे, इंग्लिश फ्लुएंटली बोलना स्टार्ट कर दोगे। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होता है ट्रांसलेशन में, आपको एक तो ट्रांसलेशन नहीं आती और दूसरा लैक ऑफ वोकेबलरीज, आपको वर्ड मीनिंग नहीं आता कुछ सेंटेंसेस का। तो इसलिए मैं आपको वोकेबलरी भी कराता हूँ, ट्रांसलेशन भी कराता हूँ, ग्रामर भी कराता हूँ। ठीक है, तो ये भी करना है आपको। उसके बाद इन्वायरमेंट, आपका इन्वायरमेंट कैसा है आसपास का, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट करता है। अगर आपके आसपास बोलने वाले बहुत सारे लोग इंग्लिश बोलते हैं दिन रात, तो आप जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। तो इसलिए अपने फ्रेंड्स जिससे दिन भर मिलते हो 24 घंटा में, उसको आप जो है इनकरेज कीजिए कि आप इंग्लिश बोलो। राइट, सो ताकि जो है आप जल्दी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सको। राइट, सभी को इंग्लिश आती है, बस आपको इम्प्रूव करना है। नेक्स्ट, लैक ऑफ कंसिस्टेंसी। लैक ऑफ कंसिस्टेंसी क्या होता है? अगर आपने कल पढ़ाई की तो आज भी पढ़ाई करना है। कल आपने जो काम किया है उसको रेगुलर रखना है। जैसे मैं अभी लाइक लास्ट 50 डेज से मैं कंटिन्यू हूँ,
बट मुझे अनफॉर्चुनेटली आउट ऑफ स्टेशन जाना पड़ रहा है इमरजेंसी केसेस में। सो फिर भी मैं ट्राई कर रहा हूँ कि कंटिन्यू क्लास आपको दे सकूँ, राइट। तो यही है लेक ऑफ कंसिस्टेंसी, आप रेगुलर नहीं होते हो, आपको रेगुलर होना है कोई भी काम कर रहे हो। इट्स नॉट अबाउट ओनली स्टडी, वट एवर यू आर डूइंग ऑन योर रेगुलर लाइफ और किसी भी पार्ट में, तो आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, राइट। सो आज हम पहले डेली यूजेज इंग्लिश के सेंटेंसेस देखेंगे एंड देन फिर ग्रामर, ट्रांसलेशन एंड वोकैबुलरी। सो पहला सेंटेंस है, मैं उससे मिलने के लिए उत्सुक हूँ, मैं उससे मिलने के लिए उत्सुक हूँ। सो व्हाट यू विल से इन इंग्लिश, सो वी विल से आई एम क्यूरियस टू मीट हर, आई एम क्यूरियस टू मीट हर, है ना। अगर आप लाइक किसी लड़की को लाइक मिलना चाहते हो या डेट पे जाना चाहते हो या फिर कोई लड़की आपसे मिलना चाहता है, तो मतलब काफ़ी फर्स्ट टाइम मिलते हो। इट्स नॉट अबाउट लाइक किसी इंसान से फर्स्ट टाइम मिलना चाहते हो, या सीईओ है या किसी कोई आपका सेलिब्रिटी है, तो आप काफ़ी एक्साइटेड होते हो, क्यूरियस होते हो। तो आप यहाँ पे क्या बोलोगे, आई एम क्यूरियस, उत्सुक हूँ, एक्साइटेड हूँ, क्यूरियस टू मीट हर, उत्सुकता मन में किसी चीज़ को जानने की उत्सुकता, उसको हम क्या बोलते हैं, क्यूरियस। नेक्स्ट इज, वैसे भी मैं वहाँ नहीं जाता, वैसे भी मैं वहाँ नहीं जाता। सो व्हाट यू विल से इन इंग्लिश, वी विल से एनी वेज आई डोंट गो देयर, एनी वेज आई डोंट गो देयर। नेक्स्ट इज, मैं रिफ रफ नहीं हूँ, है ना, मैं लाइक रिफ रफ नहीं हूँ। दैट मीन्स यहाँ पे कह रहा है कि मैं लाइक ऐसा वैसा नहीं हूँ, है ना, मैं रिफ रैफ नहीं हूँ। दैट मीन्स यहाँ पे एग्जैक्ट हिंदी वर्ड मुझे नहीं मिला, तो यहाँ पे आप क्या बोलोगे, मैं ऐसा वैसा नहीं हूँ, सो मतलब वैल्यूएबल हूँ। सो व्हाट यू विल से इन इंग्लिश, वी विल से आई एम नॉट रिफ रैफ, आई एम नॉट रिफ रैफ, मैं ऐसा वैसा नहीं हूँ। आप इसको क्या बोलोगे, आई एम नॉट रिफ रैफ, ओके, आई एम नॉट रिफ रैफ, मतलब मैं ऐसा वैसा नहीं हूँ, ओके। ये हमेशा हम यूज करते हैं। बहाने मत बनाओ, व्हाट यू विल से इन इंग्लिश, बहाने मत बनाओ बनाओ। सो वी विल से इन इंग्लिश, डोंट मेक एक्सक्यूजेज, डोंट मेक एक्सक्यूजेज, बहाने मत बनाओ, डोंट मेक एक्सक्यूजेज। नेक्स्ट इज, इसे दिल पर मत लो, इसे दिल पर मत लो। सो व्हाट यू विल से, वी विल से डोंट टेक इट टू हार्ट, डोंट टेक इट टू हार्ट। आप सभी लोगों को कोई भी डाउट हो या कुछ इसमें लगता है इरर हमने किया है बाय मिस्टेक, सो यू कैन रेज योर क्वेश्चन एंड राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, आई विल रिस्पॉन्स ईच वन ऑफ कमेंट्स, ओके। सो नेक्स्ट इज, मुझे शर्मिंदा मत करो, मुझे शर्मिंदा मत करो। सो व्हाट यू विल से इन इंग्लिश, मुझे शर्मिंदा मत करो, डोंट एम्बेरेस मी, डोंट एम्बेरेस मी, ओके, मुझे शर्मिंदा मत करो। नेक्स्ट इज, मुझे नींद आ रही है, मुझे नींद आ रही है। सो व्हाट यू विल से, वी विल से आई एम फीलिंग स्लीपी, आई एम फीलिंग स्लीपी। नेक्स्ट इज, मुझे पहले जाने दो, मुझे पहले जाने दो। सो व्हाट यू विल से इन इंग्लिश, मुझे पहले जाने दो। सो वी विल से लेट मी गो फर्स्ट, लेट मी गो फर्स्ट। सो नेक्स्ट इज, इसे ध्यान में रखें, इसे ध्यान में रखें। सो व्हाट यू विल से इन इंग्लिश, इसे ध्यान में रखें। सो वी विल से लर्न इट इन माइंड, लर्न इट इन माइंड। नेक्स्ट इज, अब मेरी बारी है, अब मेरी बारी है। सो व्हाट यू विल से इन इंग्लिश, अब मेरी बारी है। सो वी विल से नाउ इट्स माई टर्न, नाउ इट्स माई टर्न। नेक्स्ट इज, यह तुम्हारा भ्रम है, यह तुम्हारा भ्रम है। सो व्हाट यू विल से इन इंग्लिश, सो वी विल से इन इंग्लिश, इट्स योर इल्यूजन, इट्स योर इल्यूजन। नेक्स्ट इज, मुझे इसकी आदत है, मुझे इसकी आदत है। सो व्हाट यू विल से इन इंग्लिश, यू कैन राइट इन द कॉमेंट सेक्शन। सो वी विल से आई एम यूज टू इट, आई एम यूज टू इट। नेक्स्ट इज, उसे मेरे पास भेज दो, उसे मेरे पास भेज दो। सो व्हाट यू विल से इन इंग्लिश, उसे मेरे पास भेज दो। सो वी विल से सेंड हिम टू मी, सेंड हिम टू मी, उसे मेरे पास भेज दो। नेक्स्ट इज, मुझे एक मौका दो, मुझे एक मौका दो। सो व्हाट विल से, गिव मी ए चांस, गिव मी ए चांस। नेक्स्ट इज, ध्यान से देखें, ध्यान से देखें। सो व्हाट विल से, वॉच केयरफुली, वॉच केयरफुली, ध्यान से देखें, वॉच केयरफुली।
नेक्स्ट इज सीधे बैठो, सीधे बैठो, सो व्हाट विल से सिट अप स्ट्रेट, सिट अप स्ट्रेट। नेक्स्ट इज कितने बजे हैं, कितने बजे हैं, सो व्हाट यू विल से एट व्हाट टाइम, एट व्हाट टाइम। फ्रेंड्स इसमें देखिए ये सारे जो सेंटेंस मैंने अभी आपको बताए हैं ये हिंदी में हम कई बार दिन में बातें करते हैं, तो अगर आप ये मेमोराइज करो या यही चीज़ें आप प्रैक्टिस करो डेली लाइफ में, गलत सही स्टार्टिंग में आपसे गलती गलत होगी, बट आप रेगुलर रहोगे तो आपको लाइक यू नो माइंड में आएगा हाँ ये गलत है, आप ट्राई करोगे इसको इम्प्रूव करने, बट यू हैव टू फर्स्ट स्टार्ट इट। गलत सही बात का है, राइट, फर्स्ट यू शुड स्टार्ट टू स्पीक इन इंग्लिश। ओके, धीरे धीरे छोटे छोटे सेंटेंसेस, छोटे छोटे टुकड़ों में जब मौका मिले आप इंग्लिश में बोलना स्टार्ट कीजिए। प्रैक्टिस, मोर प्रैक्टिस, मोर प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, एंड यू हैव टू बी रेगुलर, है ना। अगर आज आप दिन भर प्रैक्टिस कर लिए, कल नहीं करेंगे, परसों नहीं करेंगे, तो ये काम नहीं करेगा, राइट। कोई भी चीज़ यू हैव टू बी, अगर आपने सपोज कीजिए कोई बचपन में पढ़ाई किया, सपोज कीजिए आप लोग संस्कृत पढ़े होंगे या फिर मैंने भी संस्कृत पढ़ा, जैसे कि आपको अगर बोला जाए बालका शब्द रूप जो होता है संस्कृत में या देवस शब्द रूप होता है, हम लोग याद किया करते थे 9th में या 8th में या 10th में, तो अभी कितनों को 100% याद है ना, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस खत्म हो गई, राइट। जैसे मुझे याद है क्योंकि आई यूज टू, है ना, मुझे एक अगर मैं अभी स्टार्ट करूँ तो मुझे वो याद है, लाइव सेशन में सुनाऊंगा, सो वो चीज़ें हैं। तो इसी तरह जो है अगर आपको कोई भी चीज़ जैसे कि अ आ होता है तो उसमें भी आप लिख सकते हो क्योंकि आपने बहुत टाइम प्रैक्टिस किया है उसको, वैसे कुछ टेबल्स हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते तो वो भूल जाते हो, ठीक है। तो वही चीज़ें हैं, यू हैव टू बी प्रैक्टिस, यू हैव टू बी रेगुलर, तभी वो चीज़ें रहती हैं, नहीं तो वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाती हैं, ख़त्म धीरे धीरे ख़त्म ही हो जाती है, पहले कम होती है, पहले कुछ चीज़ें भूलोगे, फिर कुछ चीज़ें भूलोगे, एट द एंड आप भूल जाओगे, इसके लिए प्रैक्टिस ज़रूरी है, राइट। सो यह बहुत गर्म है, यह बहुत गर्म है, व्हाट यू विल से, यह बहुत गर्म है, सो व्हाट विल से, इट्स सो हॉट, इट्स सो हॉट। नेक्स्ट इज ज़्यादा स्मार्ट एक्टिंग करने की कोशिश ना करें, ज़्यादा स्मार्ट एक्टिंग बनने की, मतलब यहाँ पे हम बोलते हैं ना ज़्यादा स्मार्ट मत बनो, ज़्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो, ठीक है, जो रियलिटी है वही दिखाओते हो आप, ऐसा बोलते हो, ज़्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो। तो व्हाट यू विल से इन इंग्लिश, वी विल से डोंट ट्राई टू एक्ट टू मच, टू स्मार्ट, सॉरी, डोंट ट्राई टू एक्ट टू स्मार्ट। ओके, सो नेक्स्ट इज मेरे साथ बहस करना बंद करो, मेरे साथ बहस करना बंद करो, सो व्हाट यू विल से इन इंग्लिश, वी विल से स्टॉप आर्गुइंग विथ मी, स्टॉप आर्गुइंग विथ मी। नेक्स्ट इज मैं तंग आ गया आपसे, मैं तंग आ गया आपसे, सो व्हाट यू विल से इन इंग्लिश, मैं तंग आ गया आपसे, सो वी विल से आई एम सिक ऑफ यू, आई एम सिक ऑफ यू। इट्स नॉट अबाउट कि बीमार, मैं इतना फ्रस्ट्रेटेड हूँ, मेंटली मैं बीमार हो गया हूँ आपसे तंग आके, ओके, सो दैट्स व्हाई वी यूज यहाँ आई एम सिक ऑफ यू, राइट। नेक्स्ट इज तुम कभी नहीं बदलोगे, तुम कभी नहीं बदलोगे, सो व्हाट यू विल से, आप किसी को लाइक घर में एक काम बोलते हो अपने बच्चे को या अपने भाई को या आपको अपने माँ, आपकी माँ बोलती है या पेरेंट्स बोलते हैं, कोई भी बोलते हैं एक चीज़ ये मत करो, ये मत करो, बट आप वही करते हो, इन दैट केस व्हाट दे यूज टू से, तुम कभी नहीं बदलोगे, सो इन दैट केस इसको आप इंग्लिश में क्या बोलोगे, यू विल नेवर चेंज, यू विल नेवर चेंज। ओके, सो मुझे गुस्सा मत दिलाओ, मुझे गुस्सा मत दिलाओ, सो व्हाट यू विल से इन इंग्लिश, वी विल से डोंट मेक मी एंग्री, डोंट मेक मी एंग्री। नेक्स्ट इज बुद्धिमान के लिए एक इशारा ही काफी है, समझदार के लिए एक इशारा ही काफी है, सो व्हाट यू विल से इन इंग्लिश, वी विल से ए नोड इज इनफ टू वाइज, ए नोड इज मतलब एक इशारा ही, एक मतलब सर हिलाना, मतलब नोड, ए नोड इज एक इशारा ही काफी है बुद्धिमान के लिए, समझदार के लिए एक इशारा ही काफी है, ये हम यूजुअली बात करते हैं, इस सेंटेंस को हम बोलते हैं, सो व्हाट यू विल से इन इंग्लिश ऑफ दिस सेंटेंस, ए नोड इज इनफ टू वाइज। नेक्स्ट इज आपने अपनी गरिमा खो दी है, आपने अपनी गरिमा खो दी है, सो व्हाट यू विल से इन इंग्लिश, आपने अपनी गरिमा खो दी है, सो वी विल से यू हैव लॉस्ट योर डिग्निटी, डिग्निटी मतलब आपकी गरिमा, आपकी प्रतिष्ठा, राइट, आपकी इज्जत,
यू लॉस्ट योर डिग्निटी, जो आपका समृद्धि है, यू लॉस्ट योर डिग्निटी. ओके सो नेक्स्ट इज, मुझे यह सुनकर बहुत अफसोस हुआ, मुझे यह सुनकर बहुत अफसोस हुआ. सो व्हाट यू विल से, आई एम वेरी सॉरी टू हियर दिस, आई एम वेरी सॉरी टू हियर दिस. ओके नेक्स्ट इज, कृपया इस पर ध्यान ना दें, कृपया इस पर ध्यान ना दें. सो व्हाट यू विल से, प्लीज डोंट माइंड दिस, प्लीज डोंट माइंड दिस. नेक्स्ट इज, मुझे खेद है, मुझे खेद है, मेरी वजह से आपको कष्ट उठाना पड़ा है, मुझे खेद है, मेरी वजह से आपको कष्ट उठाना पड़ा है. सो व्हाट यू विल से, आई एम सॉरी यू हैव हैड टू सफर बिकॉज ऑफ मी, मुझे खेद है, मुझे दुख हुआ कि मेरी वजह से आपको प्रॉब्लम हुआ, मेरी वजह से आपको दुख हुआ. सो व्हाट यू विल से इन इंग्लिश, वी विल से आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, मुझे खेद है, मुझे दुख हुआ. सो यू हैव हैड टू सफर, आपको मेरी वजह से दुख झेलना पड़ा, कष्ट झेलना पड़ा, बिकॉज ऑफ मी, मेरी वजह से. यू हैव हैड टू सफर बिकॉज ऑफ मी. यहाँ पे हैव हैड कब यूज होता है, जब हम ट्रांसलेशन में पढ़ेंगे, देन यू कैन अंडरस्टैंड व्हाई ओवर हियर इट्स कम हैव हैड, है ना. जब किसी पे इसको बाद में हम कवर डिस्कस करेंगे. ओके सो नेक्स्ट इज, हमारा ग्रामर सेक्शन स्टार्ट होता है. अभी तक हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ा, उसमें नॉर्मल सेंटेंसेस पढ़ लिए, आज हम आगे बढ़ेंगे. सो एज यूजुअल, हम इसमें टाइम ये ऑलरेडी हम डिस्कस कई बार चुके हैं. टेंस के तीन टाइप्स होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, राइट. इन तीनों के चार चार टाइप्स होते हैं, जिसमें कि प्रेजेंट टेंस के अगर आप देखें तो चार टाइप, सिंपल प्रेजेंट टेंस जो ऑलरेडी कर चुके हैं हम लोग, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस जो कि ऑलरेडी हम कर चुके हैं, जिसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस भी बोलते हैं. तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ये भी हम ये कर रहे हैं, अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है. एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस. तो आज हम जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कैसे करते हैं, ये ऑलरेडी ऑलरेडी हम जो है कर चुके हैं. तो इसमें कुछ पार्ट बच गया है, जैसे कि इसको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, पहचानते कैसे हैं कि कोई भी सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है. अगर किसी वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुके हो, चुका हूँ, इस तरह के जो है अगर दिखाई दे, तो इसका मतलब वह सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है. तो इसमें जो है पर्सन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है ग्रामर में, ट्रांसलेशन में, ठीक है. तो इसमें जैसे कि फर्स्ट पर्सन में क्या आता है, आई वी, और सेकेंड पर्सन में यू यू, थर्ड पर्सन में ही सी इट. कोई वस्तु या व्यक्ति अगर एक है, एक वस्तु या व्यक्ति का बोध होता है, तो वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में आएगा. अगर एक से ज्यादा वस्तु या व्यक्ति रहेगा तो उसमें वो प्लुरल में आएगा. तो यहाँ पे इसका कहने का मतलब है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हैज लगता है, बाकी सभी के साथ, आई वी यू दे, एक से ज्यादा पर्सन या वस्तु के साथ हैव लगता है, ठीक है. ये आप ध्यान रखिएगा, ये ऑलरेडी हम बता चुके हैं आपको. नेक्स्ट इज, इसका स्ट्रक्चर देखिए, ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं. इसमें स्ट्रक्चर इसका क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट. तो इसमें देखिए, मैं खा चुका हूँ, मैं खा चुका हूँ, सो व्हाट विल से, मैं आ गया, आई हैव इटन, आई हैव इटन. सो बिकॉज यहाँ पे हैव क्यों लगा, क्योंकि मैं क्या है, फर्स्ट पर्सन, इसलिए यहाँ पे हैव लगा. ओके सो इटन V3 लग गया, हम पढ़ चुके हैं, तो ये भी क्या है, फर्स्ट पर्सन प्लुरल नंबर. तो वी वी के साथ क्या लगेगा, हैव लगेगा. हैज किसके साथ लगेगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ, जो कि ही सी इट और कोई भी वस्तु या व्यक्ति सिंगुलर है, तो उसमें हैज लगेगा, बाकी सभी के साथ हैव लगेगा. तो वी के साथ हैव लगेगा, उसके बाद है पढ़ना. तो पढ़ना का क्या होता है, रीड 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 रीड. तो यहाँ पे देखिए, वी हैव रीड. नेक्स्ट, आप खेल चुके हैं या आपने खेला है, सो वी हैव प्लेड, वी यू हैव प्लेड. ओके नेक्स्ट इज, यहाँ पे देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस आएगा, वो अफर्मेटिव सेंटेंस था, अब इसमें नॉट आ जाएगा. तो इसमें क्या है, आई हैव नॉट सीन श्याम, तो V3 होगा, सी का सीन हो गया. उसके बाद उन्होंने उसकी मदद नहीं की, उन्होंने उसकी मदद नहीं की. सो वट यू विल से, ही हैज नॉट हेल्प्ड हिम, ही हैज नॉट हेल्प्ड हिम. सो वट विल से, हमने पेड़ नहीं काटा है, हमने पेड़ नहीं काटा है. सो वट विल से, हमने पेड़ नहीं काटा है. सो वी विल से, वी हैव नॉट कट द ट्रीज. नेक्स्ट इज, यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो यहाँ पे हैज है, बाहर आ गया, फिर यहाँ पे सब्जेक्ट V3 एंड ऑब्जेक्ट. नेक्स्ट इज, क्या तुमने राम को पीटा है, तो क्या पहले आया, अगर बीच में आता तो क्या का इंग्लिश होता, जो ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं. सो हैव यू बीटेन राम, हैव यू बीटेन राम. सो यहाँ पे
क्या है स्टार्टिंग में, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब जो है वो बाहर आ जाएगा, हैज हैव बाहर आ जाएगा, देन फिर सब्जेक्ट, फिर वी थ्री, फिर ऑब्जेक्ट. ओके, सो नेक्स्ट इज क्या वे यहाँ आए, सो व्हाट यू विल से इन इंग्लिश, तो उसका क्या होगा, हैव दे कम हेयर, हैव दे कम हेयर. नेक्स्ट इज क्या बच्चे सो गए, क्या बच्चे सो गए, तो क्या होगा, डू द चिल्ड्रेन स्लैप्ट, डू द चिल्ड्रेन स्लैप्ट. नेक्स्ट इज इसमें डब्ल्यू एच क्वेश्चन, ये बच गया था, ये हमने नहीं किया था, तो व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, हाउ, व्हाई, ये सारी जो है आएंगे, फिर हैज हैव आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर नॉट आएगा, फिर वी थ्री, फिर ऑब्जेक्ट. तो ये कैसे बनता है, इसका सेंटेंस कैसे होता है, यह क्या है, देखिए इसमें क्वेश्चन वाचक जो वर्ड है वो बीच में आया, इस केस में अगर जो क्वेश्चन वाले वर्ड जो अगर सेंटेंस के बीच में आए तो वहाँ पे उसका इंग्लिश होता है, अगर स्टार्टिंग में है तो हेल्पिंग वर्ड डू, डज, हैज, हैव, ये बाहर आता है. ठीक है, जैसे कि आपने यहाँ पे देखा, यहाँ पे स्टार्टिंग में है, यहाँ पे भी स्टार्टिंग में है, क्या यहाँ भी क्या स्टार्टिंग में है, तो हेल्पिंग वर्ड जो हैव है या हैज है वो बाहर आएगा, या डू डज बाहर आता है. बट अगर यही क्या जो है बीच में रहता तो उसमें क्या का इंग्लिश होता, लाइक यहाँ पे देखिए यह क्या है, ये देखिए बीच में है, तो यहाँ पे एकदम लाइक यू नो बेसिक लैंग्वेज में बोल रहा हूँ ताकि आपको इजिली समझ में आ जाए. तो यह देखिए यह क्या है, तो क्या का इंग्लिश यहाँ पे होगा क्योंकि मिड में है, तो व्हाट, व्हाट के बाद क्या आएगा, हैज हैव आएगा, तो यू के साथ क्या लगेगा, हैव लगेगा, व्हाट हैव यू डन, वी थ्री. ओके, नेक्स्ट इज आपने कहाँ किया है, आपने कहाँ किया, कहाँ का इंग्लिश क्या होगा, वेयर, वेयर हैव यू डन, वेयर हैव, क्योंकि यू के साथ हैव आएगा, हैव यू डन. नेक्स्ट इज तुमने, उसने तुम्हें क्यों पीटा, उसने तुम्हें क्यों पीटा, तो यहाँ पे क्या होगा, व्हाई हैज ही, उसने, एक पर्सन ने तुम्हें क्यों पीटा, व्हाई हैज ही बीटन यू, राइट. नेक्स्ट इज इसमें आप लाइक क्वेश्चन कीजिएगा, वे कब गए हैं, राइट. इसका होगा तो लाइव में सेशन करूँगा इसका, जब मैं आऊँगा वापस, वे कब आए, इसका आपको ट्रांसलेट करना है. या फिर नेक्स्ट इज आपने क्या सोचा, इसका आप क्या करोगे ट्रांसलेशन. उसके बाद तुम स्कूल क्यों नहीं गए, उसके बाद बच्चे क्यों नहीं सोए, आप इसको यहाँ पे वीडियो पॉज कीजिए एंड इसका ट्रांसलेट कीजिए, कमेंट सेक्शन में लिखिए, आई विल चेक इट आउट. ओके, अदरवाइज हम इसका लाइव भी करेंगे. सो नेक्स्ट इज प्लीज़ फ्रेंड्स, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें एंड शेयर करें. मैं लाइव 26 सितंबर से फिर से आऊँगा होपफुली, एंड रेगुलर रहूँगा. ओके, आई एम सॉरी मैं रेगुलर नहीं हो पाया बिकॉज सम अर्जेंट वर्क, आई हैव टू यू नो कम हेयर. सो आपने क्या नहीं किया, आपने क्या नहीं किया, सो आपको इसको ट्रांसलेट करना है, मैंने क्या किया. नेक्स्ट इज वो कहाँ चली गई, वो कहाँ चली गई. नेक्स्ट इज राम ने पत्र क्यों नहीं लिखा, राम ने पत्र क्यों नहीं लिखा. सो नेक्स्ट इज क्या मैं सो रहा हूँ, क्या मैं सो रहा हूँ, सो व्हाट यू विल से, क्या मैं सो रहा हूँ, ये देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आ रहा है, इसको ध्यान से बनाइएगा. ठीक है, क्या तुम काम कर रहे हो, ये भी प्रेजेंट कर रहे हो, ध्यान दीजिए. नेक्स्ट इज क्या हम पटना जा रहे हैं, राइट, इसको भी ध्यान से देखिए, क्या वे आ रहे हैं. मैं ट्राई करूँगा जब भी टाइम मिलेगा तो लिंक्डइन पे वो टेलीग्राम पे क्वेश्चंस डालने का, आप वहाँ से प्रैक्टिस करेंगे. सो बस 5 दिन की बात है, ठीक है, तो उसके बाद मैं लाइव आऊँगा. मेरी बिल्ली दूध पी रही है, मेरी बिल्ली दूध पी रही है. नेक्स्ट इज वह पटना से आता है और मेरा घोड़ा दौड़ रहा है, मेरा घोड़ा दौड़ रहा है. आप इन 5 दिनों में प्रीवियस वीडियो भी देख सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं उसको, राइट. होप कि जो अभी 20, 25 या 40 लोग आते हैं वो 40 लोग, 80 लोग और 100 लोग आ जाए नेक्स्ट मंडे को. आप लोग इस तरह का कम्युनिटी बना लीजिए, तब तक अपने दोस्तों को बोलिए ज्वाइन करने, अपने दोस्तों को बनाइए कि आप भी इंग्लिश सीखो. तो नेक्स्ट मंडे जो हम मिलेंगे, होपफुली कि आप काफ़ी सारे फ्रेंड को जो है यू नो इनकरेज करोगे कि आप भी क्लास ज्वाइन करो ताकि आप इंग्लिश को इम्प्रूव कर सको. नेक्स्ट इज मोहन गाना गा रहा है. उसके बाद क्या वह कुछ काम कर रहा है, क्या वह कुछ काम कर रहा है. नेक्स्ट इज क्या आप पटना जा रहे हैं, क्या आप पटना जा रहे हैं, क्या तुम अंग्रेजी सीख रहे हो, और यहाँ पे क्या वह पत्र नहीं लिख रहा है. पॉज कीजिए, इसको ट्रांसलेट कीजिए. नेक्स्ट इज क्या आप राम को जानते हैं, क्या आप राम को जानते हैं, डू यू नो राम, डू यू नो राम, ये हमने दिया था बनाने. तुम पढ़ाई क्यों नहीं करते, तुम पढ़ाई क्यों नहीं करते, सो यू हैव टू लाइक आंसर इट, व्हाई डू यू नॉट स्टडी. नेक्स्ट इज
वे यहाँ क्यों नहीं रहते? सो व्हाट विल से व्हाई डू दे नॉट लिव हेयर? नेक्स्ट इज सीता क्या नहीं करती? तो सीता क्या नहीं करती, व्हाट डज सीता नॉट डू? यहाँ पे डू क्यों लगा, क्योंकि ये थर्ड पर्सन प्लुरल नंबर में है दे, और यहाँ पे डज इसलिए लगा क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में है, और यहाँ पे वाई स्टार्टिंग में क्यों लगा, क्योंकि ये वाई बीच में है, क्यों का इंग्लिश बीच में है ना, बीच में है, दैट्स वाई। ओके नेक्स्ट इज राम क्यों गाता है, राम क्यों गाता है, आपको यहाँ पे लिखना है राम क्यों गाता है, सो वाई डज राम सिंग। नेक्स्ट इज आप क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं, सो व्हाट डू यू विश, व्हाट डू यू विश। नेक्स्ट इज वह क्यों मारता है, तो यहाँ क्या हो गया, वाई डज ही बीट, यहाँ पे देखिए डब्ल्यू एच बीच में आ रहा है क्वेश्चन वाले वर्ड, इसलिए यहाँ पे वाई लग रहा है, और जब जब थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो डज लग गया, और थर्ड पर्सन सिंगुलर के अलावा जो भी है उसके साथ डू लग रहा है, ठीक है। नेक्स्ट इज वह स्कूल क्यों नहीं जाती है, वह स्कूल क्यों नहीं जाती है, वाई डज ही नॉट गो टू स्कूल। नेक्स्ट इज ट्रांसलेशन वाला सेक्शन, जिसमें कि हम आज डब्ल्यू एच क्वेश्चन करेंगे, तो डब्ल्यू एच क्वेश्चन में जैसे कि यहाँ पे कैसे यह क्या है, यह क्या है, हाउ यू विल ट्रांसलेट, यह क्या है, व्हाट इज दिस, व्हाट इज इट, ओके ये क्या है, ये क्या है, सो व्हाट आर दीज, व्हाट आर दीज, ये क्या है, यह क्या है, ये क्या है, व्हाट आर दीज, ओके वह आदमी क्या है, वह आदमी क्या है, सो व्हाट इज दैट मैन, व्हाट इज दैट मैन। सो नेक्स्ट इज तुम क्या हो, व्हाट आर यू, व्हाट आर यू, मैं क्या हूँ, सो व्हाट एम आई, व्हाट एम आई, सो आपका दोस्त क्या है, सो व्हाट इज योर फ्रेंड। नेक्स्ट इज आपका दोस्त क्या है, सो व्हाट इज योर फ्रेंड्स, ओके अगेन इट्स रिपीट। नेक्स्ट इज वह कौन है, इसको बनाना है आपको, वह कौन है, वे कौन है। नेक्स्ट इज आपके पिता कौन है, सो नेक्स्ट इज तुम कौन हो। नेक्स्ट इज मदन कहाँ है, मदन कहाँ है, सो नेक्स्ट इज वे कहाँ है। नेक्स्ट इज आपकी किताब कहाँ है। नेक्स्ट इज मैं कहाँ हूँ, राइट। नेक्स्ट इज राम, राम क्या राम जाने को है, क्या राम जाने को है, ये सब हमने क्वेश्चन किया हुआ है, क्या राम जाने को है, इसको आपको बनाना है, क्या हम लोग गाने को हैं, क्या यह बच्चा रोने को है, हम लोग नहीं दौड़ने को हैं, ये सारे क्वेश्चन मैं कराया हूँ, इसको सभी का सही होना चाहिए क्योंकि ऑलरेडी हमने इसको किया है। नेक्स्ट इज आपके पास एक अच्छी कार होगी, यू विल हैव ए गुड कार। नेक्स्ट इज मेरे पास एक हाथी होगा, आई शैल हैव ए एन एलिफेंट। इसको भी बहुत अच्छे से मैंने समझाया हुआ है, हमें शांति मिलेगी, व्हाट यू विल से इन इंग्लिश, हमें शांति मिलेगी, हाउ यू विल ट्रांसलेट, वी है शैल हैव पीस। नेक्स्ट इज उसे सफलता मिलेगी, ही विल हैव सक्सेस। नेक्स्ट इज मेरे पास कार नहीं होगी, आई शैल नॉट हैव ए कार, आई शैल नॉट हैव ए कार। नेक्स्ट इज क्या आपके पास बाइक होगा, क्या आपके पास बाइक होगा, विल यू हैव ए बाइक। नेक्स्ट इज हमारे पास पर्याप्त तेल होगा, सो विल सेल वी सेल हैव इनफ ऑयल, हमें आज़ादी मिल जाएगी, वी सेल हैव फ्रीडम। सो आप वोकेबलरी देखेंगे, जैसे तैसे समहाओ, जैसे तैसे समहाओ। नेक्स्ट इज एकदम सही, प्रिसाइज, एकदम सही, प्रिसाइज। नेक्स्ट इज प्रवृत्ति, टेंडेंसी, सफाई से चलाना, मैनिपुलेट करना, मतलब किसी को मनाना, और बहुत बारीकी से एक ही बार में उसको समझ के उसको मनाना, या चालाकी से कोई काम निकलवाना, ठीक है, इसको मैनिपुलेट करना, ठीक है। तो जब भी आप याद करें, जब भी आप ट्रांसलेट करते हो तो हिंदी से इंग्लिश करते हो ना, इसलिए जब भी आप याद करें ना कोई भी वर्ड, वो हिंदी से इंग्लिश याद करें, ना कि इंग्लिश से हिंदी, ठीक है, तो ये आसानी होगा। दयनीय मतलब बहुत बुरा हाल, पैथेटिक, पैथेटिक। नेक्स्ट इज दिखावा करना, प्रीटेंड, प्रीटेंड। नेक्स्ट इज नकल करना, इमिटेट, इमिटेट मतलब नकल करना। न्याय मतलब जस्टिस। नेक्स्ट इज फ्लावर्स के नाम है, कुमुदनी को क्या बोलते हैं हम, लिली बोलते हैं, कमल को लोटस बोलते हैं, और गेंदा फूल मैरीगोल्ड होता है, और सूर्यमुखी सनफ्लावर होता है, एंड चमेली जैस्मिन होता है, एंड नेक्स्ट इज गुलबहार या जसवंत को हिबिस्कस बोलते हैं हम, और सदाबहार को पेरीविंकल बोलते हैं हम, और कंद पुष्प जो कि यूरोप में बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, टूलिप बोलते हैं, और मोरिंगा मोगरा या मल्लिका, राइट, जैस्मिन, सेम्बैक या
अरेबियन जैस्मिन बोलते हैं इसको, मोगरा जो बालों में लगाते हैं, गुलबहार डेजी होता है, राइट। अब यहाँ पे वर्ब के फॉर्म, जैसे फ्लाई को हम क्या बोलते हैं, उड़ना, फ्लाई, उड़ना का इंग्लिश क्या होता है, फ्लाई, फ्लाई मतलब उड़ना, उड़ना को हम वी टू क्या होता है, फ्ल्यू, फ्लोन, फ्लाइंग, फ्लाइज, फ्लाई मतलब उड़ना, फ्ल्यू मतलब उड़ा, फ्लोन मतलब उड़ चुका है, फ्लाइंग मतलब उड़ रहा है, फ्लाइज मतलब उड़ता है, पाना मतलब फाइंड, फाउंड मतलब पाया, फाउंड मतलब पा चुका है वी थ्री के फॉर्म में, फाइंडिंग मतलब पा रहा है, फाइंड्स मतलब पाता है, झगड़ा करना फाइट, फाउट मतलब झगड़ा किया, फाउट मतलब झगड़ा कर चुका है वी थ्री में, एंड फाइटिंग मतलब झगड़ा कर रहा है, फाइट मतलब झगड़ा होता है करता है, चारा मतलब फीड मतलब चारा चारा, और फीड 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 इसमें तीनों सेम ही होता है, चारा खाया या इसमें फीडिंग, फीड मतलब खिलाना, एक तरह का खिला रहा है, खिलाता है, चुनना इलेक्ट मतलब चुनना किसी को, चुनना और चुन चुका है, एंड इलेक्टिंग मतलब चुन रहा है, इलेक्ट मतलब चुना चुनता है, प्रवेश मतलब इंटर, इंटर्ड, इंटर्ड, इंटरिंग, इंटर्स मतलब प्रवेश करना, प्रवेश किया, प्रवेश कर चुका है, प्रवेश करता है, कर रहा है, प्रवेश करता है, ईट मतलब खाना, खाया, खाता, खा चुका है, खा रहा है, एंड ईट्स खा लिया मतलब खाता है, राइट। सो ये थे आज के क्लासेस, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, एंड होप आप सभी को इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, एंड प्लीज आप सभी लोग वेट कीजिए, प्लीज गिव मी फॉर एटलीस्ट 5 डे मोर, एंड डेफिनेटली आई विल कम बैक लाइव अगेन। सो होप आप सभी लोग सभी फ्रेंड्स को अपने ग्रुप बनाएंगे, एंड सभी फ्रेंड्स को वो इनकरेज करेंगे इस क्लास को ज्वाइन करें, एंड होपफुली मैं लाइक 80 पीपल को एक्सपेक्ट करूंगा कि मंडे का जो सेशन होगा लाइव उसमें आप सभी लोग होंगे। सो थैंक यू सो मच, एंड आई विल ट्राई टू अपलोड वीडियो एज वेल ऑन रेगुलर बेसिस, अगर ये 5 दिन अपलोड नहीं कर पाए तो प्लीज़ आप सभी लोग वेट कीजिएगा, इट्स नॉट लाइक कि आप चले जाइएगा, सो आई विल ट्राई माई बेस्ट, आई एम डूइंग द हार्ड वर्क टू यू नो टू कंटिन्यू द सेशन, एंड टू मोस्ट प्रॉबली मैं लाइक बीच में डालूंगा वीडियो, अगर नहीं डाला तो आई थिंक मैं बहुत दुखी होऊंगा अगर मैं नहीं डाल पाया, तो आज मैं बहुत दुखी हूँ कि मैं लाइव नहीं हूँ, और मैं बहुत दुखी होऊंगा अगर मैं वीडियो रेगुलर अपडेट नहीं कर पाया 25 सेप्टेम्बर तक, 26 सेप्टेम्बर को 100% आई विल बी लाइव, ओके। सो गुड लक, मिलते हैं अगेन, एंड प्लीज़ शेयर कीजिएगा, थैंक यू फ्रेंड्स।